अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज है पीर, लेकिन हम चलते हैं दो दिन कबल और वहाँ की थोड़ी सी बात करते हैं, माजी में झांकते हैं। जुम्मे की शब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो हम सबकी इल्म में आया, जिसमें हमने ये देखा कि भोजा एयरलाइन का एक तैयारा बोइंग 737 जो कि क्रैश हुआ, और क्रैश होने के बाद 127 जाने उसमें जो कि कीमती जाने थी वो उसमें ज़ाया हुईं। और पाकिस्तान की तारीख़ की अगर बात की जाए तो यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो वाक़या तकरीबन पौने दो साल कबल हुआ था या दो साल कबल हुआ था, वो एयर ब्लू की एयरलाइन थी, और उसकी जो रिपोर्ट आनी थी, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आनी थी, उस पर बड़ा शोर मीडिया ने मचाया, और फाइनली जो रिपोर्ट आई उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत आसान हो जाता है ये कह देना कि पायलट की नाअहली थी, पायलट की नेगलिजेंस थी, उसकी मिस हैंडलिंग थी, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। लेकिन उसके बाद इसी तरह से जो ये भोजा एयरलाइन जो कि तकरीबन 9 साल बाद अपने इसने फ़्लाइट्स दोबारा शुरू की थी, इस पर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए। कहा यह गया कि 1993 में जब इसको लाइसेंस मिला उस समय मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इसलिए ये इशू को पोलिटिसाइज़ करना यहीं से शुरू कर दिया गया। और उसके बाद 2002 तक इन्होंने अपनी परवाज़ें जारी रखी, फिर ये डिफ़ॉल्टर हो गए, पेमेंट्स इनके गले पड़ गई, और यूँ इनकी फ़्लाइट्स को रोक दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। फाइनली अब है 2012, और 2012 मार्च में इनकी फ़्लाइट्स का बाकायदा दोबारा से आगाज़ हुआ। मार्च में इन्होंने फ़्लाई किया, और अप्रैल में जो आज शाम की, यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि जो शाम की भोजा एयरलाइन की पहली परवाज़ थी वो उनकी एक तरह से देखा जाए फ़िलहाल तो आखिरी परवाज़ भी बन गई। नाज़रीन, पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी बहस हो रही है, बहस मीडिया के किरदार पे भी हो रही है कि मीडिया ने इसको किस तरह से कवर किया, मीडिया ने इसको बहुत मोड़ तरोड़ के और बहुत ह्यूमन एंगल्स इस पर कवर किए। फिर इसको इस इशू को पोलिटिसाइज भी किया गया कि जी अब ये जो हमारे जो हुकूमती लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं जी फारूक भोजा जो है उनका ताल्लुक PMLN से है। हम कब इस बहस से बाहर निकलेंगे, हम कब इस इल्ज़ाम राशियों से बाहर निकलेंगे, ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उस बंदे की, चाहे वो फारूक भोजा हो या अरशद जलील, ये बात जिक्र है फेस पे फारूक भोजा है जो कि सिर्फ 5% शेयर्स होल्ड करते हैं, जो असल जो शख्सियत है वो बैक ऑफ द स्क्रीन है इस वक्त, अरशद जलील जो कि 40% शेयर्स इसके होल्ड करते हैं, 20% उनकी वाइफ होल्ड करती हैं, 20% उनके बेटे होल्ड करते हैं, ये एक फैमिली बिजनेस की तरह से है। लेकिन बहरहाल हमें निकलना है इस ब्लेम गेम के बाहर, हमें निकलना है इस बात से कि जी क्या सियासी इन्फ्लुएंस था, हमें बात करनी है उन 127 जानों के ज़ाया होने की, उन कीमती जानों के ज़ाया होने की, और इसके साथ साथ कि टेक्निकलिटीज़ इसकी क्या थी, और किस तरह से जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स आगे किस तरह से आएंगी, इन वाक़ात से बचा किस तरह से जाएगा, टेक्निकलिटीज़ पर हम बात करेंगे। बहुत सारी जो अवेयरनेस अभी मज़ीद हमें देनी है, क्योंकि जब नया नया इशू होता है तो उस वक्त बहुत एक बर्निंग इशू होता है, और जिस चैनल को जो समझ में आ रहा होता है वो चीज़ें सामने लेकर आ रहे होते हैं। जो पैनल पे हमारे गेस्ट हैं, मज़ीद अब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन जो पैनल पे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे पहले तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड विंग कमांडर ज़फ़र इकबाल साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब्दुल मजीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और उसी के साथ जो टेक्निकल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, यानी जॉइंट सेक्रेटरी ही हैं इन द सेम सोसाइटी, यानी सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये टेक्निकल साइड को हैंडल करते हैं, रज़ाक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, बात जब हम शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली, क्योंकि ये पौने दो साल के अंदर अंदर दूसरा वाक़िया एयर ब्लू का वाक़िया हम भी नहीं भूले और वो फैमिलीज़ भी नहीं भूली, इसका सबूत ये है कि जब ये वाक़या पेश आया तो एयरपोर्ट पे एयर ब्लू के जो विक्टिम्स थे, जो उनके लवाकिन थे, वो पहुँचे थे, उनसे सारे यकजहती के लिए कह लीजिए या उनको मोरल सपोर्ट के लिए कह लीजिए, वो वाक़या हम भी नहीं भूल सकते, वो वाक़या आज कोई भी नहीं भूल सकता, और आज ये भोजा एयरलाइन का। ज़रा ज़फ़र इकबाल साहब, मैं आपसे पहले मुख्तसर सी बात कर लूँ एयर ब्लू के वाक़े की रिपोर्ट के बारे में, जिसको बाद में एक्सेप्ट भी नहीं किया गया और ये कह के फाइल बंद कर दी गई कि जी पायलट की नेगलिजेंस थी या हैंडलिंग थी। कितनी इस बात में सदाकत है और असल चीज़ क्या थी, थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डालें ताकि उसकी लाइट में हम फर्दर डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करें। जी मैंने इस मामले में एक एयर ब्लू का नक्शा है मेरे पास, एयर ब्लू क्रैश का, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाएगा और मैं आपको बताऊँगा कि असल बात क्या हुई। काइंडली इस पर फोकस कीजिएगा। ये रनवे है 30 साइड, जो कि आप कहें कि लाहौर की साइड है, और 12 साइड जो कि चांदनी चौक की साइड है।
एयर ब्लू का जहाज़ नॉर्मल सारे जहाज़ जो आते हैं रवात के करीब, और ये आईएलएस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो कि आप समझें कि इलेक्ट्रॉनिक केबल है एक, कि जो एक बीकन फेंकता है रनवे की सेंटर लाइन, उसके ऊपर वो राइड करता है जहाज़, और चाहे बादल हों या कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, वो जहाज़ इत्मीनान से रनवे की तरफ आ जाता है। और चूंकि उस दिन विंड पीछे की तरफ से थी तो जहाज़ लैंड नहीं कर सकता था इस साइड से, तो उन्होंने आराम से आके सर्कल टू लैंड एक अप्रोच होती है जो कि कैप्टन विजुअली देखता है, पर कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रनवे को नज़र में रखे और आए। अब हुआ ये कि जब कप्तान साहब यहाँ आए तो बीच में बादल आ गए, और चूंकि वो बड़े एक्सपीरियंस थे तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वियर ऑफ होकर साइड पे आके, तो जहाँ बादल ख़त्म हो गए तो वापस आके लैंड कर जाऊँगा। बादल ख़त्म नहीं हुए और वो चलते गए, को पायलट ज़मीन को देखते रहे, ये रनवे को देखते रहे, और चलते चलते ये पहाड़ियों के पास पहुँच गए। यहाँ इन्होंने जब पावर खोली तो इतनी पावर अवेलेबल नहीं थी इंजन पर कि वो पहाड़ियाँ क्रॉस कर जाता, वो जाके पहाड़ी में घुस गए। ये तो पायलट की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन चूँकि रडार कंट्रोलर जो मौजूद था उसको तो रडार पर नज़र आ रहा था कि जहाज़ किधर जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, उसको चाहिए था कि जा रहा है ना अंदाज में उसको मना करता। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसको तो नज़र आ रहा था कि जहाज़ इतनी देर में उसकी नज़र में होना चाहिए था, और अगर वो नहीं आया तो उसको जारहाना अंदाज में उसको कहना चाहिए था कि तुम किधर हो, और स्टार्ट टर्निंग लेफ्ट, स्टार्ट क्लाइंबिंग, जो कि प्रोसीजर है कि अगर किसी वक्त आपको रनवे नजर आना बंद हो जाए तो इसको कहते हैं मिस्ड अप्रोच, कि आपकी अप्रोच मिस हो गई, कि आप थ्रॉटल खोलें, स्टार्ट क्लाइंबिंग, स्टार्ट क्लाइंब टू 9500 और दोबारा से रडार को कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, इसमें बेसिक कॉज तो वेदर ही था, लेकिन ये है प्रोसीजर। और इसमें हुआ ये कि जब टोटली ब्लेम कर दिया गया पायलट को, लेकिन ये जो दो बड़े बड़े चीज़ें थीं और इनको नहीं बताया गया। क्या इसमें जो वजह है कि कंट्रोलर ने क्यों नहीं कहा, क्योंकि कंट्रोलर्स की हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, रडार कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, और कई एयरपोर्ट्स जैसे गिलगित, स्कर्दू, जहाँ के बहुत डेंजरस लैंडिंग्स होती हैं, वहाँ के कंट्रोलर तो बिल्कुल अच्छा ही, तो मुझे नाअहल तो नहीं कहूँगा। ज़फ़र इक़बाल साहब, लेकिन फिर मुझे ये बताएगा कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें पायलट को मौत इल्ज़ाम भी ठहरा दिया, तो नोबडी आस्क्ड टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कि आपका रब्ता कहाँ था, क्योंकि अब तो ये भी है कि जब तक उस तक लैंडिंग नहीं होती, जब तक वो जो पायलट है वो रनवे को ना देख रहा हो और एयर कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो उसको नजर ना आ रहा हो, ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम है, ये सब चीज़ें, तो किसी ने उनसे पूछा, वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हुई, रिपोर्ट में कोई जिक्र है? तो पूरी हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, और लेकिन रिपोर्ट ने टोटल ब्लेम किया पायलट को, और ये जो चीज़ें हैं ये कवर्ड अप हैं कि भाई जो कंट्रोलर है उसकी ट्रेनिंग क्यों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। दिस इज रियली आई ओपनिंग फैक्ट्स, ज़फ़र इक़बाल साहब, दिस इज रियली आई ओपनिंग फैक्ट्स जो आपने हमें बताए हैं, जिस तरह से ये रिपोर्ट्स हमारे यहाँ बनती हैं, हम किस पे बिलीव करें, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। अब हम भोजा एयरलाइन पर आते हैं, इस पर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी नॉलेज क्या कहती है? जी, ये भोजा का जनाब दूसरा मैंने नक्शा बनाया, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ये मैं आपको शो कर, यही इस्लामाबाद इंटरनेशनल रनवे है, और यही जो मैंने पहले आपको दिखाया है उसका पाथ है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का, जिसके ऊपर जहाज़ आके राइड करता है। ये जब जहाज़ आया है तो आता है तो इसको एक होता है ATIS, हम कहते हैं एयरफील्ड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि रनवे के ऊपर वेदर कैसा है, लेकिन उसकी जो बहुत कई बुनियादी चीज़ें होती हैं वो ये है कि इसको बताया जाए कि आपके रास्ते में क्लाउड्स हैं कि नहीं, वो बताने का हमारे पास सिस्टम नहीं है। इसको ये बताया जाए कि आपकी जो रनवे थ्रेशहोल्ड विजिबिलिटी है वो क्या है, उसके हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। इसको बताया जाए कि रनवे की ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, यानी रनवे अगर खुश्क होता है तो ब्रेकिंग सिस्टम बेहतरीन होता है, अगर रनवे वेट हो तो मीडियम होता है, और अगर बर्फ़ या स्लश हो तो पुअर होता है। ये चीज़ें बताने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन पायलट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अच्छा, जो दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब इस किस्म का मौसम हो तो हवाई जहाज़ में एक रेडार होता है जिसको लो लेवल विंड शेयर अलर्ट सिस्टम कहते हैं। विंड शेयर होता है जो हवा एकदम मूव करती है अप एंड डाउन, समटाइम्स 50 माइल्स स्पीड के अप एंड डाउन, विच इज़ वेरी डेंजरस। उसके लिए जहाज़ में एक रडार होता है जो कि उसको बता सकता है। ये रडार इस वक्त सिर्फ PIA के बोइंग 777 एयरक्राफ्ट में है और किसी जहाज़ में नहीं है, और बोइंग 737-200 का जो रडार है वो पॉजिटिवली बहुत पुराना रडार है। अच्छा, दूसरा चीज़ उसको अवॉइड कर सकते हैं कि रनवे के शुरू में ग्राउंड के ऊपर इसी तरह लो लेवल विंड शेयर वार्निंग सिस्टम होता है और डॉपलर रडार होता है, जो कि इस किस्म के जो क्लाउड हैं, CB क्लाउड,
सी बी क्लाउड होते हैं, ये जो बहुत काले रंग के बादल होते हैं, जहाँ से बादल और तूफान आता है, और इनकी भी इंटेंसिटी होती है, कई बहुत वीक होते हैं, कई स्ट्रांग होते हैं और कई बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो बहुत स्ट्रांग होते हैं उनके अंदर जो हेल्स हैं, यालाबारी हैं, वो 6000 फुट पर मिनट के हिसाब से ऊपर और नीचे जा रहे होते हैं, और ये इतना स्ट्रांग है कि कोई जहाज़ इसमें जाएगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सिस्टम उसको बताते हैं कि आप इससे दूर हो जाएं, अवॉइड कर दें, और अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले तो या वो साइड पे जाके होल्ड कर लेगा और 10-15 मिनट के बाद आ जाएगा, या दूसरी एयरपोर्ट पे चला जाएगा। और चूँकि इस जहाज़ के पास ना ऐसा रेडार था, ना ज़मीन के ऊपर ऐसे सिस्टम थे जो उसको वार्न करें। अच्छा, मुझे ज़फर इकबाल साहब, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि यहाँ पर ATC का रोल क्या था, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, जिसका रोल आपने मुझे बताया ब्लू क्रैश के हवाले से, यहाँ पे उसका कोई रोल था, यहाँ पे उसको कोई इन्फॉर्म करना चाहिए था जो वो नहीं कर सका? एक्चुअली अगर ATC के पास वो इन्फॉर्मेशन होती तो फिर तो वो इन्फॉर्म करते, लेकिन चूंकि ATC के पास अपने वो उस तरह के रेडार नहीं है, उतने अच्छे रेडार नहीं है कि वो ये वेदर देख लें, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो वो इसको ज़रूर बताते, लेकिन उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। अब शाम का वक्त है तो ATC तो देख भी नहीं सकती कि जो 4 मील या 5 मील दूर एक काले रंग का बादल है उसकी इंटेंसिटी क्या है या कैसा है। लेकिन मुझे बताएं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताएं कि ये जो एक महकमा मौसमियात भी है हमारे यहाँ, वो भी तो इन्फॉर्म करता है, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेती है, अगर ये रडार वर्क नहीं कर रहे थे, उनका क्या कम्युनिकेशन आपस में रहता है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि जी लैंडिंग के लिए फिजिबल है, अप्रोप्रिएट है इस एनवायरमेंट? जी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन जिस आला क्वालिटी का रेडार, इस वक्त इस्लामाबाद का वेदर रेडार बेहतरीन है कहने को, लेकिन वो भी उस अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से पिक्चर पेंट नहीं कर सकता। जो वो ये तो बता देगा कि एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है या CB क्लाउड है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है ये वो नहीं बता सकता, और ये एक इतनी वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो कि जहाज़ के सेफ लैंडिंग में, महफूज और गैर महफूज होने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आपको याद हो, आज से 5-6 महीने पहले PIA का एक बोइंग 777 मिलान पे उतरा था इटली में, और इसी किस्म की वार्निंग थी, और वो उसने उसको हिट नहीं किया और उसमें से गुजर गया, और उसको इतने यालाबारी उस पर हुई कि उसके बाद कम से कम मेरा 2 महीने वो ज़मीन पे रहा, उसकी मेंटेनेंस हुई, और जो बाकी जहाज़ थे वो वहाँ से डाइवर्ट कर गए और सेफ हो गए। तो ये जो इक्विपमेंट है ये पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन किसी एयरफील्ड पर भी अवेलेबल। ठीक है इकबाल साहब, ज़फर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, हम इस बात को यकीनन कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे जो अब दीगर गेस्ट हैं, पहले हमारा मकसद ये था कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आपकी रिसर्च है, जो आपकी स्टडी है, उसको हम आपसे शेयर करें, उसके बाद हम इस पर डिबेट करेंगे। जो हमारे साथ यहाँ पे मजीद गेस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बहस करेंगे कि हम टेक्निकली वेयर वी स्टैंड। बेसिकली हम बहुत आसान है ये कह देना, क्योंकि जो मर गया, जो उस जहाज़ के साथ चला गया या जो उस क्रैश में जहाँ बाक हो गया, उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल के, और अपने आप को टेक्निकली अगर हम अपने आप को इम्प्रूव ना करें, और वहाँ पर जो शिकायत है, वहाँ पर जो नेगलिजेंस है, उसको इम्प्रूव ना करें, तो हम आगे कैसे इन हादसात से बचेंगे? जो हो गया सो हो गया, मुज़म्मत के काबिल है, लेकिन आगे बचना है, यही आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ होंगे। से वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब, और हम बात कर रहे हैं भोजा एयरलाइन के उस बोइंग 737 की, जो कि फ्राइडे इवनिंग को क्रैश हुआ, और उसके बाद जो कुछ हमारे सामने खबरें आती रहीं, जिस तरह से मीडिया उसको रिपोर्ट करता रहा और जिस तरह से हमारे जो हुक्काम है वो उस पर रिएक्ट करते रहे, अजीब लड़बाजी थी, अजीब सा एक तमाशा था। पहले ये कह दिया कि जी बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 दिन के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है, ये ऑर्डर्स आए हमारे सदर साहब की जानिब से, बाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी का स्टेटमेंट हुआ कि नहीं जी बंद नहीं किया गया, इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स पे बात आई, फिर उसके बाद हमने शाहीन एयरलाइन की भी 2 तैयारी देखे कि इसका एक फ्यूल टैंक लीक हुआ, ये कल ही की बात है, और उसके बाद एक तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, और उसके बाद हमारे वजीर दिफा का एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि जी अब तमाम जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है, उनकी अब चेकिंग होगी, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद 1 बाय 1 उनको क्लियरेंस दी जाएगी, और उसके बाद उनकी फ़्लाइट्स होंगी। लेकिन उसके बाद फिर एक और तरतीद आई उनका, नहीं जी ऐसा नहीं है, ऑपरेशनल रहेंगे, लेकिन 1 बाय 1 उनकी क्लियरेंस भी साथ
साथ साथ उनकी एग्जामिन जो है वो साथ साथ जारी रहेंगी। अजीब से तमाशे हैं, बजाय इसके कि टेक्निकलिटीज़ में हम जाएँ कि टेक्निकल लोगों के हम व्यूज़ लें और उसके बाद एक जो प्रॉपर डिसीजन होता है, ये जो प्रॉपर ऑर्डर्स होते हैं उनके साथ आएँ, ये अजीब सी हम सूरत हाल देखते हैं। उसके बाद फिर मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जी मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो बाइस्ड है, ये अजीब किस्म की सेंसेशनलाइजेशन कर रहा है। मेरे साथ जो पैनल पे हैं जो टेक्निकल लोग हैं, जो कि जिनमें अब्दुल मजीद साहब हैं, रज़ाक चौधरी साहब हैं। अब्दुल मजीद साहब, मुझे ये बताएं, बल्कि नाज़रीन पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं जो कि कुछ अहम सवालात इस बोइंग 737 के हवाले से भी उठाए जा रहे हैं, वो हम सवालात आपको भी दिखा दें ताकि इस पर हम अब्दुल मजीद साहब से भी राय लें और उसके साथ साथ चौधरी साहब जो रज़ाक चौधरी साहब हैं उनसे भी राय लें। कुछ सवालात ये कहा जा रहे हैं कि जिस तैयारे को आलमी मयार के मुताबिक नाकाबले इस्तेमाल करार दे दिया गया हो, इसे भोजा एयरलाइन ने किसकी इजाज़त से इस्तेमाल किया, या वाकई वो नाकाबले इस्तेमाल था, क्योंकि 9 से 10 साल वो शायद ग्राउंड भी रहा है। हादसे को शिकार होने वाला तैयारा इससे कबल शाहीन एयरलाइंस के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, ये भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया था। नाकाबिले इस्तेमाल तैयारे जैसे कि शाहीन के पास था और वो ग्राउंड था, तो उसने भोजा एयरलाइन को क्यों फरोख्त कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबरा के पास इदारे को चलाने का कहा जाता है कि कोई भी तजुर्बा नहीं था, इससे कबल वो सरकारी एयरलाइन में पायलट थे। इदारे में एहतजाज के बाद इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी का सरबरा बना दिया गया। ये तो खैर एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। जी अब्दुल मजीद साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगी, मुझे बताएँ कि आप लोग फिटनेस सर्टिफिकेट आई थिंक आप लोग देते हैं, कितनी सदाकत है इस बात में कि 10 साल तक ये तैयारा ग्राउंड था, शाइन एयर के पास था, वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता था, उसके बाद भोजा एयरलाइन ने इसको ख़रीद लिया, 27 साल पुराना तैयारा, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं इस हादसे में शहीद होने वालों को के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके लवाहकिन को सब्र जमील अता फरमाए, और सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान उनके गम में बराबर की शरीक है, और ये एक कौमी हादसा है, इसकी रिपोर्ट भी प्रॉपर आनी चाहिए और इसकी रेक्टिफिकेशन होना तो बहुत कुछ चाहिए ना। मसला यही है, होता नहीं है। मुझे बताएं 27 साल पुराना ये बोइंग 737 क्या है इसके पीछे कहानी? नादिया, एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि एविएशन में नया जहाज़ या पुराने जहाज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एविएशन में कॉन्सेप्ट होता है एयरवर्दी और नॉन एयरवर्दी। ठीक है, अगर एयरक्राफ्ट एयरवर्दी है तो उसको फ्लाई करने में कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसके एयरवर्दी होने के लिए हमारे पास मुख्तलफ तरीके, मुख्तलफ चेक्स, मुख्तलफ प्रोसीजर हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब कोई भी एयरलाइन अपना तैयारा बनाती है तो वो साथ अपना एक मेंटेनेंस प्रोग्राम देती है। ठीक है, ये जहाज उस मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत मेंटेन होता है। ये मेंटेनेंस प्रोग्राम 10 साल तक ग्राउंड क्यों था? हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि ये तैयारा 3 साल तक के लिए ग्राउंड था साउथ अफ्रीका एयरवेज के साथ। जी जी, फरमाया, आप बोल सकते हैं। अभी आपने इसमें कहा है कि तैयारा गालबन शाहीन एयर के पास था, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तैयारा गो के 27 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इससे पहले ये ब्रिटिश एयरवेज उसको ऑपरेट करती रही है और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका इसको ऑपरेट करता रहा है। अच्छा, और गालबन अभी ये फरवरी में भोजा ने लिया है 2012 में। जी 2012 ये शाइन में ग्राउंड नहीं था ये तैयारा। हमारी इंफॉर्मेशन जो है उस हिसाब से, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन जो है जो तमाम मीडिया पे भी चला है, जो हमने भी अपनी रिसर्च की है, 10 साल तक ये तैयारा ग्राउंड था और शाइन एयर के पास था, शाइन एयरवेज को यूज़ नहीं कर रहा था। अच्छा मैडम, इसमें इशू ये है कि अगर ये 10 साल के लिए ग्राउंड भी था, उसके बाद इसके चेक्स हुए प्रॉपर, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो साउथ अफ्रीका एयरवेज ने इसका चेक सी करके दिया। अब जब साउथ अफ्रीका चेक सी कर रही है तो इसका मतलब उसकी रेगुलेटरी बॉडी उसको मॉनिटर कर रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो जफर इकबाल साहब अभी जो विंग कमांडर है, ये जो बता रहे थे रडार के बारे में कि ये जिस रडार को कि जो वेदर को या इस चीज़ को इसका स्टिमुलेट करता है या इसको फील करता है या इसको बताता है, वो इसमें नहीं है, PIA के जहाज़ों में अवेलेबल है। एक्चुअली जितने भी हमारे पास पुराने जहाज़ हैं ना 90 से पहले के, उसमें हमारे पास जो ये सिस्टम लगा हुआ उसको हम कहते हैं रिएक्टिव विंड शियर। रिएक्टिव विंड शियर ये होती है कि जब आपका जहाज़ विंड शियर में आ जाएगा तो आपको वार्निंग मिलेगी,
और लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे बोइंग 777 में है उसमें हमारे पास प्रेडिक्टिव विंडशियर होती है, उसमें पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वार्निंग आपके पास आ जाती है। और इसमें वो फैसिलिटी नहीं थी, इसमें वो फैसिलिटी नहीं 90 से पहले जितने भी जहाज़ जरूरत नहीं महसूस की जाती, मतलब ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है कि अगर वो किया या इन तैयारों को अपडेट ही नहीं किया जा सकता? नहीं, इसमें क्योंकि 90s के पहले की टेक्नोलॉजी में ये ऐसा है ही नहीं इन तैयारों में, इसकी ये वाले 27 साल तैयारे दुनिया भर में और कहीं चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। कहाँ चल रहे हैं? PIE के पास अपने पास PIE खुद तो ऑपरेट कर रही है, सब PIE ऑपरेट कर रही है, आपकी अपनी एयरलाइन, देखिए आपकी अपनी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है इसको, फिर शाहीन एयर वो इसको ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा आपके डिफरेंट एयरलाइनें हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं अभी भी। देखिए ये कॉन्सेप्ट आया है ना बार बार मीडिया पर भी, कुछ लोगों ने कहा है कि जी जहाज़ बहुत पुराना था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, जहाज़ एयरवर्दी होना चाहिए। और And who decides कि ये जहाज एयरवर्दी है, हम कैसे ये श्योरिटी आप हमें देंगे कि यहाँ पर कुछ भी करप्शन नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती? इसके ऊपर हमारे इसके डिफरेंट चेक्स होते हैं, हमारी रेगुलेटरी बॉडी CA पाकिस्तान इसको इंश्योर करती है, और उसके बाद फिर जो हमारे एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं वो इसको इंश्योर करते हैं, जो भी जहाज़ जो है डिपार्चर होता है उससे पहले उसके मुख्तलिफ चेक्स होते हैं, फिर जिस वक्त कप्तान आता है वो अपने डिफरेंट चेक्स करता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है वो उसी वक्त लॉक करता है उस चीज़ को, और लॉक करता है तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदारी क्या है? ये क्या मौसमी असरात, विंड शियर? देखिए मैडम जी, ये तो अब रिपोर्ट्स आएंगी तो सही एक्सपीरियंस भी तो बहुत कुछ कहता होगा, इसके FDR और इसके CVR से पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको शेयर करता चलूँ कि सबसे क्रिटिकल फेज जो फ्लाइट का होता है वो लैंडिंग फेज है, लैंडिंग फेज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल फेज। अच्छा, इसमें इस जहाज़ किसे क्या हुआ, जहाज़ के साथ क्या हुआ, वो तो ज़्यादा रिपोर्ट में आएगा, लेकिन नॉर्मली लैंडिंग में जहाज़ों के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो विंडशियर की प्रॉब्लम होती है। जब जहाज़ विंडशियर में आता है और मैं आपके नाज़रीन को ये भी ज़रा बता दूँ कि विंडशियर क्या होती है, ये बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, हवा का एक पूरा वर्टिकली जो है ना हवा का एक पूरा ट्यूब बन जाती है, और एयर बड़ी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बड़ी फास्टली ऊपर से नीचे आती है। जब ये ज़मीन को हिट करती है ना, ग्राउंड को हिट करने के बाद फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हॉरिजॉन्टली जो है ना ये फैलती है, ये इस तरह फैल जाती है, ठीक है ना? अच्छा, ये तो अच्छा, मुझे ATC के रोल पे भी चूँकि बात करनी है, और मेरी कोशिश है डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं नदीम यूसुफ साहब, उनसे भी हमारा रब्ता और सिविल एविएशन अथॉरिटी के, ताकि हम उनसे भी डिटेल में ये बात कर सकें कि ATC के रोल ये बताएगा। ज़फ़र इकबाल साहब, जिस तरह से आपने ये तमाम गुफ्तगु सुनी इस पे आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे ये बताएं कि इट रियली डजेंट मैटर कि जहाज़ कितना पुराना है, और वो सिर्फ मैटर ये करता है कि वो एयरवर्दी है और एयरवर्दी नहीं है, और वाकई वो एयरवर्दी है इसका सर्टिफिकेट इशू करने में भी कहीं कोई करप्शन नहीं होती है हमारे यहाँ। जी हाँ, इसमें बिल्कुल दो चीज़ें हैं, ये बात तो ठीक है कि जहाज़ को अगर एयरवर्दी कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा उड़ सकता है, लोग World War II के जहाज़ फ्लाई करते हैं, उनमें एरोबेटिक्स करते हैं और सारी दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन फिर ये है कि वो उनकी मेंटेनेंस बेहतरीन करते हैं क्या उनकी आपको याद होगा कि जब ये एयरलाइनें बोझा पहले स्टार्ट हुई थी और राजी, तो एक तस्वीर अखबार में छपी थी जिसमें कि एक एयरलाइन का टायर जो है वो एक साइकिल वाले की दुकान पर मुरम्मत हो रहा था, और जो बोझा है ये एयर लिंगस, इन्होंने आयरलैंड से इसको लिया था, और इनका ये हाल था कि उन्होंने इसको कार की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था कि फ़र्ज़ कर लें कि कार का ऑयल आप 3000 किलोमीटर बाद चेंज नहीं करते तो वो 4000 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन चूंकि वो जहाज़ नहीं है, गाड़ी है, कोई गड़बड़ होगी तो साइड पर खड़ी हो जाएगी। जब इन्होंने एयर लिंगस से जो और प्रॉपर स्पेयर से वो नहीं लिए जो रूटीन में चेंज होने चाहिए थे, तो उन्होंने सिविल एविएशन से शिकायत की और इनका जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा था और वो इंपाउंड हो गया और 2 महीने वहाँ खड़ा रहा क्योंकि ये मेंटेनेंस ठीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये मेंटेनेंस को चेक करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, सिविल एविएशन उसकी वॉच डॉग होती है और ये वॉच डॉग अपना काम पूरा नहीं करता, इसीलिए राजी वालों ने अपना टायर भेज दिया साइकिल वाले से मरम्मत के लिए, और इन्होंने जनाब ये कर दिया काम के जी कोई बात नहीं, ये कार की तरह अगर 3000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज हुआ 4000 बाद कर देंगे, तो इनकी नाअहली है। इस तरह जो शाहीन एयरलाइन, आपने अरशद जलील साहब का नाम लिया, इन्होंने शाहीन एयरलाइन टेक ओवर करते ही शाहीन एयरलाइन फ्लाई कर दी बोइंग 737-400 टॉप ऑफ द लाइन, उन्होंने आते ही उसको ग्राउंड किया और रूसियों से TU-154 लेकर आ गए।
ठीक है, जो कि अगेन थके हुए जहाज़ थे और उनका हर वक्त मेंटेनेंस प्रॉब्लम रहता था। नई चीज़ ही होती है। अब बोइंग 777 नया है तो उसमें ये रेडार मौजूद है जो कि विंड शेयर की वार्निंग देता है, बोलता है मुंह से विंड शेयर आवाज़ आती है। ये अभी जो मेरे साथ जो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान से है, ये लोग कहते हैं कि ये जो 737 है ये तो दुनिया के बेशतर मुल्कों में चल रहा है, PIA के पास अपने ऐसे इतने बोइंग तैयारें हैं, तो इससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ये मजीद सिक्योरिटी रिस्क है, और क्या वाकई दुनिया के मजीद ममालिक में भी अभी तक ये चल रहे हैं, इनकी फ़्लाइट चल रही हैं? जी हाँ, इनकी बात दुरुस्त है कि जहाज़ ये उड़ रहे हैं लेकिन सारे डोमेस्टिक उड़ते हैं, अमेरिका में भी उड़ते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइन जो कि थकी हुई एयरलाइंस होती हैं उनमें ये जहाज़ उड़ते हैं, और जो इनके इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो बेहतरीन जहाज़ों के ऊपर होती हैं। जो तो ये भी तो डोमेस्टिक थी ना, स्टार्ट किया था जफर साहब, मगर ये भी एक डोमेस्टिक थी। लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक है, लेकिन आप कंडीशन देखें, कल शाइन एयरलाइन के दोनों टायर क्यों फट गए? क्योंकि उन्होंने टायर वक्त पर चेंज नहीं किए। टायर को आप देखते हैं, आपको नज़र आता है, अगर एक टायर फटता तो एक बात ही, दोनों क्यों फट गए? क्यों फ्यूल लीक हो गई उनकी, क्यों मेंटेनेंस प्रॉब्लम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे क्वेश्चन है, जरा मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट या एयर वर्दी की जो आप बात कर रहे हैं तो इन तैयारों के पास भी ये भी एयर वर्दी आपने करार दिए होंगे जिसका एक फ्यूल टैंक लीक हो कर गया, एक के टायर बस्ट हो गए, ये भी एयर वर्दी तैयार थे? मैं जफर इकबाल साहब से इस मौजू पर थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि हमारे पास प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर कहाँ से आए? ये मैन्युफैक्चर की रेगुलेटरी बॉडी ने दी, अप्रूव किए, मैन्युफैक्चर की रेगुलेटरी बॉडी, फिर ऑपरेटर की रेगुलेटरी बॉडी उसको अप्रूव करती है, ये पूरा एक प्रोसीजर चलता है। अब इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई बंदे ने किसी ने गलती की है तो एक अलग इशू है। देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी का क्या मतलब, आप यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे कह सकते हैं? मतलब अगर एक इदारा है, जाहिर सी बात है ना, उसमें इंडिविजुअल्स ही काम कर रहे हैं ना इदारे में, एक बंदे की एक नेग्लिजेंस है तो आप मुझे ये बताएं, तो आप उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी कह के इदारे को उससे कैसे आप बरी जिम्मेदारी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी बुक आपका प्रोसीजर ये कहता है कि आप 4000 फ्लाइंग आवर के बाद इसका आयल चेंज कर दो तो कोई भी ऑपरेटर या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, मेरा सवाल ये है कि शाहीन एयरलाइंस के वो दो तैयारे जिसका एक फ्यूल टैंक लीक कर गया और एक तैयारे का जो टायर बस्ट हो गए वो भी एयरवर्दी थे? देखिए, टायर बस्ट होना अब उसकी उसकी इंक्वायरी होगी, उसको देखा जाएगा। एयरवर्दी तो थे ना? देखिए, एयरवर्दी आप लोगों ने उसको एयरवर्दी करार दे दिया था ना? एयरवर्दी हमें कह रहे हैं, डेफिनेटली ठीक है ना, आप लोगों ने एयरवर्दी करार दे दिया था, और ऐसे ही एक तैयारा 737 बोइंग था भोजा का जिसको एयरवर्दी करार दे दिया गया था। ठीक है, मुझे ये बताया जा रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो स्पोक्समैन है परवेज जॉर्ज साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जरा मैं बात करती हूँ। परवेज जॉर्ज साहब, मुझे ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो एंड वेलकम टू द शो। परवेज साहब, मुझे ये बताएं कि कितना रोल है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, कितना रोल है ATC का, और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, पायलट से किस हद तक रابطे में रहा जाता है, और क्या रिस्पांसिबिलिटी और किस सेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी आप समझते हैं कि जो एयर क्रैश हुआ है भोजा एयरलाइंस का? देखिए, जिस तरह की ये अभी बात आपके यहाँ हो रही थी कि तमाम जहाज एयरवर्दी होते हैं और तमाम जहाज की चेकिंग का एक शेड्यूल होता है, और उसी तरह उनके जो पार्ट्स हैं उनके चेंज करने का, उनका रिपेयर करने का एक शेड्यूल होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको इंश्योर करती है कि ये एयरवर्दी हो, उस तमाम मैनुअल के मुताबिक वो उसके चीजें जो है वो चेंज की जाए या उसको रिपेयर मेंटेनेंस की जाए, और जब तक वो फिट नहीं होता उड़ने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी कभी भी उसका इजाजत नहीं देती उस जहाज को उड़ने की। ठीक है, तो फिर मुझे बताइएगा कि जब एयरवर्दी करार दे दिया गया था शाइन एयरलाइंस के भी उन दो तैयारों को जिसका एक फ्यूल टैंक लीक कर गया, और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें पानी नहीं था, फिर उस तैयारे को भी जिसके टायर बस्ट हो गए, वो दोनों तैयारे एयरवर्दी थे और आप लोगों के क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद वो रेडी टू फ्लाई थे? नहीं जी, जैसे कि कहा गया कि जी वो गाड़ी लेट पहुंची या उसमें पानी नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। 20 मिनट बाद पहुंची, कल 20 मिनट बाद गई थी, 20 मिनट बाद पहुंची गाड़ी? नो, वो जी 40 मिनट का उसका टाइम है, 40 सेकंड सॉरी, उसके उसी में ही वो जो गाड़ी है वो वहां पहुंच चुकी थी, और इसकी शाम को तर्दीद नहीं की गई, क्योंकि हमारा फायर डिपार्टमेंट है हर एयरपोर्ट पे, वो हर वक्त तैयार रहता है इस किसी भी हादसे से निपटने। तर्दीद करने का, तर्दीद करना तो कोई मैटर नहीं करता परवेज साहब, नहीं की थी परवेज साहब सिलसिले में किसी भी नामी हालात। परवेज साहब, तर्दीद कर देना कोई मैटर नहीं करता, मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो शाइन एयरलाइन का जो फ्यूल जो टैंक था वो लीक कर गया, और उसके बाद दो एक तैयारे के जो टायर बस्ट हो गए, वो भी तो
उसका एयर वर्दी थे ना, दोनों को एयर वर्दी डिक्लेयर कर दिया गया था आप लोगों की जानिब से? जी मतलब जब भी उसकी इंस्पेक्शन हुई है उसे किया गया है। फिर क्या हुआ, क्यों हुए ये वाकया, क्यों हुए, और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन बकायदा हो रही है और जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी बता दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ कौन सी सामने आती है परवेज साहब, प्लीज कौम को गुमराह ना करें फॉर गॉड सेक। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ? एयर ब्लू क्रैश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या ऐसी आ गई कि उस पर बिलीव कर लिया जाए बाजत के साथ, ऐसी आ गई कि उस पर ट्रस्ट कर लिया जाए? अभी विंग कमांडर साहब फरमा रहे थे कि एयरपोर्ट पे जब ये कह दिया जाता है कि जी पायलट की नेग्लिजेंस है तो ATC से क्यों नहीं पूछा जाता, अगर पायलट जहाज जाके मरगला की पहाड़ियों से टकरा दिया जाता है तो ATC कहां होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर कहां होता है, वो क्यों नहीं बताता उस वक्त कि जी आप पायलट को क्यों नहीं बताता कि जी तुम कहां जा रहे हो, तुम आगे जाओगे तो पहाड़ियों से टकरा जाओगे? आप माजरत के साथ मगर आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं वो तो बगदादा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसका पायलट के साथ रابطہ होता है। तो رابطہ था तो ये रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं आया? रिपोर्ट में सिर्फ पायलट जो मर गया, जो इंतकाल कर गया, जो शहीद हो गया, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी और सारा मलबा उसके ऊपर गिरा देने के बाद आप लोग ये हमसे बिलीव, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पे हम लोग यकीन कर लेंगे आके बंद करके? देखिए जो जो इस की तहकीकात करते हैं वो बड़े सीनियर और बड़े तजर्बाकार लोग होते हैं और वो किसी इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और इसमें वो जहाज बनाने वाली कंपनी के लोग भी होते हैं शामिल इसमें, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे परवेज साहब ये बताएं, मुझे परवेज साहब ये बताएं कि जो एयर ब्लू क्रैश की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की उस कॉन्वर्सेशन जो उसकी पायलट के साथ लास्ट मोमेंट्स पे होनी थी या हुई थी, उसका कहीं जिक्र है एयर ब्लू क्रैश की रिपोर्ट में? क्यों नहीं? देखिए वो रिपोर्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दी और उसमें मतलब जो भी है वो उसके जो नतीजे निकले हैं वो सामने हैं बिल्कुल, और उसमें जिसका भी कसूर हुआ है वो जिसका कसूर था वो मर चुका परवेज साहब। बहरहाल एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका। किससे गलती हुई और वो मर चुका है तो फिर क्या किया जा सकता है जी? हाँ कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, परवेज साहब आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा होल्ड कर लें क्योंकि मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो जो हमारे साथ मानदा जफर इकबाल साहब है वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ उनकी भी क्वेरीज है, मजीद जो पैनलिस्ट है उनसे भी हम बात करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक वापस आता है, मेरे साथ रहिए। जी नाजी वेलकम बैक टू द शो है कुछ जवाब। हम बात कर रहे हैं उस क्रैश की जो भोजा एयरलाइन का तैयारा 737 बोइंग जिस तरह से क्रैश हुआ। बहुत आसान है ये कह देना कि जी पायलट की गलती थी, बहुत आसान है डिफरेंट लोगों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा देना, लेकिन अगर पायलट की गलती थी तो हमारा सवाल ये होगा कि उसके बाद आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, कोई क्रैश प्रोग्राम शुरू किए या प्रोग्राम्स नहीं किए, कोई वर्कशॉप्स की या नहीं की? इसके साथ जब हम जफर इकबाल साहब से बात करें तो उन्होंने हमें ये बताया कि जिस तरह से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि अगर हम एयर ब्लू के हादसे की बात करें कि उसका जो राबता क्यों नहीं हुआ उस वक्त उस पायलट से जिसकी जब रिपोर्ट एयर ब्लू क्रैश की आई तो पायलट के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई क्योंकि अब पायलट बोल नहीं सकता क्योंकि वो अब हम में से नहीं है, वो जिंदा नहीं है, हम उसको इस पैनल पे बिठा के उससे हकीकत जान नहीं सकते, लेकिन जिससे हकीकत जान सकते थे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, उसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र तक नहीं है। अगर कहीं जिक्र होता तो यकीनन हमने कुछ ना कुछ सिस्टम्स को, चाहे वो मीडिया को दिखाने के लिए सही या किसी और की नज़रों में धूल झांकने के लिए सही, कुछ ना कुछ सिस्टम्स को हमने अपग्रेड किया होता। बहरहाल मेरे साथ एक लाइव कॉलर है, ब्रेक के दौरान उन्होंने कॉल की थी, वो अपनी कुछ इस हवाले से बात करना चाह रही हैं, उनकी अपनी कुछ नॉलेज है, वो चाह रही हैं कि वो इस प्रोग्राम में शेयर करें, हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आयशा कोई नाम बताया आपने? जी जी बिल्कुल नादिया, आई एम सॉरी कि मैं आपको इंटरप्ट कर। नहीं प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। जी मैं ये सिर्फ कहना चाहती थी दो शख्स यहाँ बैठे हैं जो आई थिंक पायलट्स हैं, या मैं नाम नहीं पढ़ सकी। नहीं पायलट्स नहीं है, इंजीनियर्स हैं, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान के। जी इन्होंने फरमाया कि जी PIA के पास भी और काफ़ी एयरलाइंस के पास ये जहाज हैं, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई कि बहुत डिफरेंस है 737 क्लासिक्स में जो कि -200 है और जो अब 737s आ रहे हैं, PIA के पास भी 300 सीरीज के हैं जो काफ़ी पुराने हैं, अब तो जी ब्लेंडेड विंगनेट्स के साथ नेक्स्ट जनरेशन के 737s आ गए, तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि PIA के पास ये क्लासिक वर्जन अभी भी नहीं है। अगर इसको हम क्लासिक कह रहे हैं तो यकीनन ये क्लासिक है और एयर वर्जनस अपनी जगह पे, लेकिन ऑब्वियसली एक पुराना जहाज पुराना होता है, और जहां तक कि एयर शोज में पुराने वर्ल्ड वॉर के जहाज उड़ाने की बात है तो वो तो एक ओकेजनल चीज होती है, जब
इतना एक फ्रीक्वेंटली एक प्लेन फ्लाई करेगा तो उसके लिए एयरवर्थनेस के अलावा आप उस जहाज की एज भी तो आप देखें, उसकी और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अच्छा आयशा एक सेकेंड, आयशा एक सेकेंड, ये जो पॉइंट उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब उस इंजीनियर ने साइन कर दिए उसको एयरवर्थी करार दे दिया तो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क रिमेंस, इस पर कुछ कहें जरा। देखिए जी वो तो ऑब्वियसली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ लूप सिस्टम में जहाँ पे एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट इतना कैजुअली मिल जाता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि यूरोप में इवन इन जहाजों को एंटर होने की इजाजत है, एटलीस्ट वेस्टर्न यूरोप में, और पीआईए के काफी और जहाजों को भी एक जमाने में रोक दिया जाता था। लेकिन मेरा जो सिर्फ पॉइंट था वो ये है कि जो ये स्टार्टअप एयरलाइंस हैं, ये जो नई एयरलाइंस हैं, ये यूजली अपने लिए नए तैयारी खरीदती हैं, जैसे आप ये दुबई एयर को देख लें या जितनी यूरोप में नई एयरलाइंस खुलती हैं, बिकॉज उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत क्विक होता है, उनके पास जो फ्लीट मैनेजमेंट का सिस्टम है या जो पर्सनल है वो कम होते हैं, तो वो नॉर्मली नए तैयारी सोर्स करते हैं सो दैट उसमें मेंटेनेंस का इश्यू ज्यादा ना रहे। अच्छा मुझे हमारे यहाँ ठीक है एविएशन को ही सोचना चाहिए इस बारे में भी पूछना चाहिए। मुझे ये बताएं ये जो आपने कहा कि एयर वेल्दी जो सर्टिफिकेट है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, बड़ा कैजुअली उसको ले लिया जाता है, कितना आसान तरीक़ेकार होता है, क्या उस पर कोई SOP फॉलो नहीं किया जाता? आई एम श्योर जी SOPs हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है और मैं 90s का जो मेरी अर्लीस्ट मेमरीज हैं, हाजवेरी थी और शाहीन ने तो ये तैयारे 95-96 से ही उड़ा रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जी सिस्टम में तो ये जगह है, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि जी एयरवर्थनेस कैसे मिलेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है आई थिंक वो कहीं इन प्ले आ जाती है और इन जहाज़ों को प्रोसीड करने दिया जाता है। And I don't want to comment on that because it's a political statement as well. लेकिन मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती थी कि जो पैसेंजर्स बेचारे PIA पे ट्रेवल करना चाहेंगे वो सोचेंगे ये भी 737 क्लासिक हैं। And I don't represent PIA or any airline. I'm just अच्छा ये क्लासिक थे, ये क्लासिक थे, इनका जो निक ये क्लासिक है और जो PIA के पास है वो कंपैरेटिवली न्यूअर है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन एक पूरी सीरीज है, इसके बाद 400 आई, 500 आई, 600, 700, 800, 900, इवन शाहीन ने आजकल आई थिंक वो लीज किए हैं एयर मिडवेस्ट से जो ब्लेंडेड विंगलेट्स वाले 737। ठीक है, और आपका क्लेम ये है कि ये PIA में अब यूज नहीं हो रहा है? PIA ने कभी ये लिए ही नहीं थे जी, ये PIA के पास 737-200 सीरीज कभी थी नहीं, 64 में ही आई थी और फिर ये ठीक है अर्ली 80s तक। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आयशा आपका, यकीनन शी हैज सम टेक्निकल नॉलेज और मे बी इनका कोई बैकग्राउंड हो, कुछ कॉमेंट करें आप इस पर। नदिया एक बात मैं अपनी आपके तवसुत से अपनी कॉम से शेयर कर लूं कि जब भी जो भी एयरक्राफ्ट हम डिस्पैच करते हैं वो एयरवर्दी होता है, वो सेफ़ होता है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, दुनिया में इंसिडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है, उसकी रिपोर्ट्स प्रॉपर ना बनना, रिपोर्ट्स पे अमल दरामद ना होना, ये एक अलग इशू है, लेकिन ये मैं अपनी कौम को बता दूं कि इंजीनियर जिस जहाज़ को साइन करता है रेगुलेटरी बॉडी उसको चेक करती है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड जफर इकबाल साहब मुझे बताएगा ये जो अभी मिस आयशा थी जो अपने कुछ उन्होंने कॉमेंट्स और अपनी कुछ नॉलेज हमसे शेयर की उस पर भी कुछ कॉमेंट कीजिएगा, प्लस अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई टेक्निकल सवाल एयरवर्थीनेस के हवाले से वो अगर आप इनसे पूछना चाहें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आयशा ने बहुत अच्छी बात की एंड इट वाज टोटली क्लियर, क्योंकि इन लोगों ने मिस स्टेटमेंट दी थी कि यही जहाज़ PIA के साथ उड़ते हैं, PIA के साथ 737-200 कभी नहीं उड़ा, हमेशा 300 था जो कि बहुत बेहतर जहाज़ था 200 से, इट वाज अ डिफरेंट क्लास। तो इन्होंने जितनी बात की बिल्कुल ठीक की और दुरुस्त की। मेरा सवाल ये है कि ये परवेज साहब जॉर्ज साहब बात कर रहे थे कि जी हर चीज़ ये चेक करते हैं और एफिशिएंट है, अगर इतनी एफिशिएंट है तो शाहीन एयरलाइन के जहाज़ों के टायर फटने के बाद 9 घंटे क्यों रनवे बंद रहा, इंटरनेशनल रनवे क्यों फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा, वेयर इज़ द एफिशिएंसी, और इन कोई एफिशिएंसी नहीं इन लोगों की, और अगर वो फ्यूल ट्रक फायर ट्रक आता है उसके अंदर पानी नहीं है, वेयर इज़ द एफिशिएंसी, और अगर वो तो डिनायल पे है ना, वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी वो डिनायल, ये हर चीज़ डिनायल करते हैं, इसीलिए उन्होंने होल्ड भी नहीं किया, इसीलिए वो भाग भी गए। बिल्कुल, और ये जो बात कर रहे हैं कि जी चेकलिस्ट होती है, बिल्कुल चेकलिस्ट होती है, लेकिन कोई उस चेकलिस्ट को फॉलो भी तो करे ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कोई इस ऑर्डर को फॉलो भी तो करे ना भाई, अगर आप हर चीज़ को डिनाई करते हैं। अभी आपने एयर मार्शल खालिद चौधरी DG सिविल एविएशन थे, उनको मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया, क्यों भाई, वेयर इज़ द अथॉरिटी, और उठा के हमें मालूम है कि अभी जो DG सिविल एविएशन है वो किन साहब के दोस्त हैं, और ये पहले MD PIA थे, ही इज़ अ लाइन पायलट, लाइन पायलट होते हुए किस तरह वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन है, और कोई भी इज्जतदार मुल्क होता, जफर साहब मुझे ये भी इज्जतदार मुल्क होता तो DG सिविल एविएशन रिजाइन करके घर चला जाता, ये बार बार डीजी, कभी DG सिविल एविएशन लग जाते हैं, कभी MD PIA, अभी जो क्लियरेंस दी है, जब ये MD PIA लगे थे उससे बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लोगों ने बड़ा शोर भी मचाया था, उसके बाद इनको सिविल एविएशन अथॉरिटी का DG बना दिया गया, तो ये नाअहल थे जी।
बात सिंपल है कि जी एक आदमी पीआईए में उड़ रहा है, जिस चीज़ को रेगुलेट करना है सिविल एविएशन ने, सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है सबसे ऊपर, पीआईए उसके अंडर काम कर रही है। अभी क्या शाइन एयरलाइन के किसी पायलट को आप डीजी सिविल एविएशन लगा देंगे या भोजा के किसी पायलट को? तो एमडी का जो पीआईए का एक पायलट है जो फ्लाई कर रहा है उसका क्या काम है डीजी सिविल एविएशन लगना? वो कैसे रेगुलेट कर सकता है, कैसे वो पीआईए को चेक करेगा? इनका जो डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड हैं जिन्होंने भोजा को भी अथॉरिटी दी है, उनके पूछें कि कितनी देर हुआ है उनको कैप्टन बने हुए, कितना अर्सा हुआ 777 का कैप्टन, ठीक है एक साल हुआ होगा, तो गए हुए टू बी जिसने इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, जिसने सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करने हैं, तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, वो उसको होल्ड होना चाहिए कि वो कोई चीज़ कर सके। क्या अगर सिर्फ दोस्ती की बिना के ऊपर कि जी ये साहब डी जी सिविल एविएशन के दोस्त हैं तो उनको डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड लगा दें, वो साहब सदर साहब के दोस्त हैं उनको MD PIA लगा दें, तो इस तरह तो फिर हर चीज़ गर्क हो जाएगी। वेयर इज़ दी सेफ्टी? एयर मार्शल नूर खान साहब जब चेयरमैन थे 6 साल में, पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शामिल होती थी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, ये नहीं था कि आप फलानी पार्टी के बंदों को रख लें, उनको आप नहीं कह सकते थे। और पीआईए की जेम्स बॉन्ड की मूवी बनी थी तो पीआईए का क्रू उन्होंने मांगा कि पीछे से हम इनको गुजारेंगे। सो बात यह है कि सिविल एविएशन जब आपने पोलिटिसाइज कर दी, आपने अपने दोस्तों को वहाँ बिठा देना है और आप जो मर्जी करें, जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी उतारें, एयर मार्शल को आपने लगाया और बगैर बात के उठा के बाहर फेंक दिया, तो किधर अथॉरिटी है, कहाँ इंप्लीमेंटेशन है, कहाँ प्रोसीजर्स हैं, कहाँ एफिशिएंसी है? साहब क्या कहते हैं आपका एक्सपीरियंस, ये जो सारी जो बहस हो रही है वो यही बहस हो रही है कि जो तैयारे थे वो एयरवर्दी सर्टिफिकेट्स उनके पास था, वो एयरवर्दी थे, और जिस तरह से हमारे साथ ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो ये फरमाते हैं कि हमारे SOP हैं, हमारे चेक्स हैं, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तैयारे को एयरवर्दी करार दे दिया जाए। जो अभी मिस आयशा ने जिन्होंने हमें कॉल की, और उनका ये कहना था कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट्स, ये बड़े ईजीली और बड़े कैजुअली और किस तरीके से जारी हो जाते हैं, क्या इसके बारे में कुछ आपके इल्म में है? क्या वाकई इतना आसान है कि यहाँ पर भी कोई पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, कि यहाँ पर भी कोई करप्शन इन्वॉल्व हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। जो लाइसेंसिंग है ये इतना बड़ा इशू है कि यहाँ हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल होती है। अब जिस किस्म के ये जहाज़ उठा के आप ले आएँ, जो आप समझें कि रिक्शे की मानद हैं, और आप उसको जहाँ मर्जी बैठ के चेक कर लें, और ये वी ऑल नो इट, इट इज़ वेरी वेल नोन, सबको मालूम है कि यहाँ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, करप्शन इस्तेमाल होती है। अब PIA आप देखें कि जब ये भी तो इनके दोस्त ही हैं ना बहुत बड़े, एजाज हारून साहब, उन्होंने PIA को कहाँ पहुँचाया और क्यों पहुँचाया? ठीक है कि आपके पास नए जहाज़ हों, और एक टाइम ऐसा था कि PIA के 10 जहाज़ ग्राउंडेड थे या 12 जहाज़ ग्राउंडेड थे। दिस इज़ ऑल पोलिटिकल इन्फ्लुएंस। मेरे ख्याल में उनको कहा गया कि इन जहाज़ों को ग्राउंड करें ताकि कोई और एयरलाइन के चलने का वो बने, रास्ता निकले। तो पाकिस्तान में तो हर चीज़, जहाँ के आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि इन साहब को आपने 10 जमात पास को क्यों लगा दिया OGDC का MD, तो वहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। मुझे आखिरी बात का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं इन लोगों से बात करूँगी। मुझे आखिरी बात का बताएं कि ये 2001 या 2002 से ये डिफॉल्टर थे, उसके बाद ये सस्पेंड किया गया था इनको, ये 2012 में अचानक इनको दोबारा से रिन्यूअल या लाइसेंस इनका रिन्यूअल कैसे, उस किस तरह से हो गया, क्या इन्होंने सारी पेमेंट्स कर दी थी, या ये भी कोई पोलिटिकली इन्फ्लुएंस था केस इनका, भोजा एयरलाइंस का? देखें मुझे इस मामले में इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जिस तरह भोजा साहब ने शुरू में एयरलाइन चलाई थी, मुझे इस चीज़ का खुद इल्म है कि ये खुद अपनी गाड़ी में वो लेकर आ जाया करते थे खाना केटरिंग करने के लिए, और आके ड्राइवर कर देते थे, और ख़ुद ये इन्होंने, मुझे पक्का इस बात का इल्म है कि ये ग्राउंड क्यों हुए, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस गलत थी, ये चीज़ों को डिले करते थे, होल्ड करते थे। ऐसे आदमी को दोबारा लाइसेंस देना जुर्म है, ऐसे आदमी को दोबारा लाइसेंस देना जुर्म है, जिस तरह से तैयारों का उन्होंने बताया कि ग्राउंड करते थे, मेंटेनेंस नहीं थी, आप इस पर कुछ कहेंगे? इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा, ज़फ़र इकबाल साहब की, उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि 737 ये तैयारे जो हैं ये PIA इस्तेमाल कर रहा है, मैंने इस तैयारे की बात नहीं की, मैंने 737 सीरीज़ की बात की है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि जो आयशा से बात करने से पहले आप लोग की, जब मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि 737 पुराना तैयार है बोइंग ये वो, तो आपने कहा कि नहीं ये तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। 737 सीरीज़ देखिए, इसमें सीरीज़ होती है, देखिए 737-200 है, ये तस्वीर आप कर रहे हैं कीजिएगा। अब्दुल रज़ाक साहब
عبد الرزاق صاحب جو بات ہو رہی تھی وہ بوجا کے کریش کے ریفرنس سے ہو رہی تھی اور وہ 737-200 کی بات ہو رہی تھی یہ بات کہہ دینا کہ اس قسم کے طیارے پی آئی اے میں ہو رہے ہیں is trying to create confusion ظفر اقبال صاحب محترم میں 77 سیریز کی بات کر رہا ہوں اور پی آئی اے میں بھی جو جائیں گے نا تو پھر آپ کو یہ پہلے کلیئر کرنا ہے کیونکہ میرا جیسا عام ایک ویور مجھے ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا اگر آپ سیریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سیریز کو اوپنلی بتائیں ہمیں 737-300 نیئر اباؤٹ یہ وہی ایج ہے جو 737-200 کی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اسی ایج کے ایئر کرافٹ 77 سیریز کے ہی پی آئی اے بھی استعمال کر رہی ہے دوسری چیز یہ ایک بدن سرٹیفکیٹ کی بات بی بی آشا نے کی کہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہماری سی اے باقاعدہ ایک اس کا انسپیکشن کرتی ہے پوری چیک لسٹ ہوتی ہے ہر چیز دیکھی جاتی ہے اتنی آسانی سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی ایسے آ جائے وہ کہہ دے جی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور سائن کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے ایسا نہیں ہوتا ملک میں او جی ڈی سی ایل کا جو ہیڈ ہے وہ میٹرک پاس کرتا ہے اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے وی آر ناٹ کنسرنڈ ٹو دیٹ ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایویشن کی بات کر رہے ہیں اور سی اے پاکستان کی بات کر رہے ہیں سی اے پاکستان اس طرح کوئی ایئر بدنس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی آف کورس ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سی اے پاکستان وہ اکاؤ کی ممبر ہے یو این او کے ذیلی ادارے اکاؤ کی ممبر ہے یہ وہی ہماری ایئر لائنز ہیں نا جو ابھی یورپی یونین نے پابندی بھی لگا دی تھی ہمارے فلائی نہیں کر سکتے تھے ہمارے پلین اور الحمدللہ کے انجینئر نے کتنی محنت کی اور کس طریقے سے ہم اس کرائسس سے بھی نکلے پہلے بھی ٹھیک ہے اینی ویز بہت شکریہ آپ کا ونگ کمانڈر ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا اور ہمیں اتنی ہماری انفارمیشن میں نہ صرف ہمارے میں اضافہ کرنے کا بلکہ ڈیفینیٹلی ویئرس کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اسی کے ساتھ عبد المجید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رزاق چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نظیم پروگرام کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کو پولیٹیسائز کریں کسی بھی ایشو کو یا کسی کو کرٹیسائز کریں اس پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ان غلطیوں کو سدھاریں صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا سسٹم بہتر ہو اس لیے کہ ہمیں اپنی قیمتی جانیں بچانی ہیں پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجیے ناطق مرزا کو اجازت اللہ حافظ